नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जून दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें साफ कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और यह भी कि सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बेंच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन करवाया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, न तोड़फोड़ की। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। पुरी ने कहा कि युवा फिजिकली तैयार हो ताकि वह हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर सके। हमने इस योजना को लेकर हाल में हुई हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी को लिखित में देना होगा कि वे किसी भी तरह की आगजनी हिंसा में शामिल नहीं थे। चूरू शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नहाने के लिए कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से कॉलेज छात्रा कुंड में गिर गई। परिजन गंभीर हालत में राजकीय डीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग नए घर में सामान शिफ्ट कर रहे थे। अस्पताल चौकी इंचार्ज गिरधारी लाल सैनी ने बताया कि चलकोई हाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सोनू पुत्री शुभकरण सिंह रविवार सुबह नहाने के लिए कुंड में पानी निकाल रही थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वह पानी में डूब गई। घर में काफी समय तक दिखाई नहीं देने पर जब परिजनों ने उसको इधर उधर देखा तो पानी के कुंड में मिली, जिसको परिजनों ने तुरंत बाहर निकाला। निजी वाहन से गंभीर हालत में राजकीय डीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने रविवार सुबह महारैली निकाली। सीएम अशोक गहलोत ने अमर जवान ज्योति की से तिरंगा दिखाकर रैली को रवाना किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग रखी। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि ये सेना में भी टुकड़े करना चाहते हैं, आरएसएस के लोगों को भरना चाहते हैं। सीएम गहलोत ने कहा, पूरे देश के अंदर युवाओं में जिस प्रकार से आक्रोश पैदा हुआ है, उनकी भावनाओं को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समय रहते समझना चाहिए। बिना आर्ग्यूमेंट के जल्दबाजी में फैसला किया गया है। इसको देश, जनता और फौजी अफसरों ने अस्वीकार कर दिया है। सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि यह योजना किसी भी रूप में लोक हित में नहीं है। मेरा मानना है सरकार जल्दी फैसला कर इसको वापस ले। बाड़मेर एसीबी टीम ने रविवार को बालोतरा जलदाय विभाग के एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जयप्रकाश गुप्ता को बंगले पर 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसने जनता जल मिशन योजना में किए कार्य का बिल पास करने की एवज में ठेकेदार से कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की थी। बाड़मेर एसीबी के एएसपी रामनिवास सुंडा ने बताया कि जनता जल मिशन योजना के ठेकेदार ने 6 जून को ब्यूरो ऑफिस में शिकायत दी। उसने जलदाय विभाग में जनता जल मिशन योजना में काम किया है, 1,25,00,000 रुपए के बिल पास करने की एवज में एक्सीएन जयप्रकाश गुप्ता 2.5% के हिसाब से कमीशन की मांग कर रहा है। बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं करता है, रिश्वतखोर ने कहा, लोगों से 3% लेता हूं, आपसे 2.5 ले रहा हूं। तंत्र विद्या से इलाज के नाम पर 18.45 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में एक महिला ने अपनी बहू के इलाज के नाम पर एक युवक द्वारा लाखों रुपए हड़पने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर शहर निवासी मैना देवी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में कहा है कि उसकी बहू पूजा शादी के बाद से ही बीमार रहती थी, जिसका उन्होंने कई डॉक्टर के पास इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। किसी परिचित ने उन्हें विनोद कुमार जांगिड निवासी पालवास रोड के बारे में बताया। विनोद कुमार ने कहा कि वह पूजा का इलाज कर देगा। भरतपुर के गांव में नया तालाब खुदा तो बच्चों में उसे देखने की उत्सुकता थी। इन दिनों बारिश भी अच्छी हुई थी, तालाब लबालब था। सुबह घर से निकले 3 बच्चे गांव से 500 मीटर दूर इस तालाब को देखने पहुंच गए। खुले खेत में फ्रेश होने के बाद बच्चे नहाने के लिए तालाब की तरफ बढ़े। 12 और 13 साल के 2 बच्चे रिश्ते में चाचा भतीजा थे। तालाब के किनारे चाचा का पैर फिसला तो भतीजा उसे बचाने की कोशिश करने लगा। इसी मशक्कत में दोनों डूब गए। मामला भरतपुर के रूपवास थाना इलाके का है। रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। एक ही परिवार के 2 बच्चे अंकित और सागर गांव के पास बने नए तालाब में डूब गए। अंकित उम्र में छोटा था और सागर का चाचा लगता था। अंकित, सागर और सागर का ममेरा भाई पीयूष घर से सुबह घूमने निकले थे। घर से निकलने से पहले सागर ने अपनी माँ से कहा था, माँ मेरे दही का ध्यान रखना, कोई खा नहीं जाए, किसी को खाने मत देना, मैं लौट कर खाऊंगा। बच्चों के तालाब में डूबने का समाचार सुनकर घर के सारे लोग तालाब के पास जमा हो गए। सागर की मां को संभालना मुश्किल हो रहा था।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज पांचवा और आखिरी T20 मैच बेंगलुरु में बारिश के चलते रद्द हो गया है। इसके साथ ही सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। आज के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मैच का कट ऑफ टाइम 10:02 तक का था, लेकिन तब तक बारिश नहीं रुकी और मैच रद्द करना पड़ा। टीम इंडिया का स्कोर उस समय तक 3-3 ओवर में 28-2 था। भारत के लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर नाबाद रहे। पूरी सीरीज में शानदार गेंदबाजी करने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने सीरीज में 6 विकेट झटके। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक झुंझुनू जिले के बड़ीद गांव का रहने वाला था और चूरू के स्थित एक डिफेंस एकेडमी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। सदर थाना के SI सुरेश कुमार ने बताया कि झुंझुनू जिले के गांव बड़ीद निवासी राजेश जाट चूरू में स्थित एक डिफेंस अकेडमी में भारतीय सेना की तैयारी कर रहा था। राजेश पिछले 1.5 साल से डिफेंस में ही आर्मी की तैयारी करता था, जो चूरू से जयपुर जा रही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का शव क्षत विक्षत हो गया था।